देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 15 दिन का हमने नोटिस दिया हुआ है गवर्नमेंट को और ऑफिसरों को। तो हमारी डिमांडें जो हैं उनको लेकर, डिमांडें हमारी जो हैं काफ़ी पुरानी है, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पुरानी डिमांड है हमारी। साथ ही साथ 600 आदमी जो कैजुअल 7 साल कवर कर चुका है उनको परमानेंट करने की, 600 आदमी जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं कैजुअल, उनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं, तो उनकी जो लिस्ट है जल्द से जल्द उनको लगाने की। साथ ही साथ आप सब जानते हो कि यूटी बनाए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो यूटी के बेनिफिट हैं, जैसे कि यूटी की सैलरी, अभी तक किसी भी मुलाजम को नहीं दी जा रही है। तो अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो 11 तारीख को हमारा फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर 14 को होगा, तो 15 को जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये वो लोग हैं जो सुबह उठकर शहर को साफ सुथरा करते हैं लोगों की नींद खुलने से पहले, तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम सड़कों पर उतरें, शहर में गंदगी की वजह से कोई बीमारी फैले। तो लेकिन मैं शहरदारों के आगे भी अपील करता हूं कि अभी 15 तारीख को स्ट्राइक है, उससे पहले पहले हमारे जितने भी मसले मिसाइल हैं उनको हल किया जाए। फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहा गया था सफाई कर्मचारियों को इस कोरोना के दौरान, और आज आप ही सड़कों पर हैं और अपनी हकों की मांग करें। क्या लग रहा है सरकार सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए जो है आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जो है वो करती है? देखिए जी, पिछले दिनों में जब हमारे गृह मंत्री साहब जम्मू कश्मीर का दौरे पे थे, उन्होंने यही कहा कि यूटी की जो सैलरी है वो लागू की गई है, तो लेकिन अभी तक यहाँ पर यूटी की सैलरी नहीं दी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मेयर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं, तो ये हमारी आवाज़ को बुलंद करें और जल्द से जल्द हमारे मसले मिसाइल जो हैं उनको हल करें। कितने पुराने आपके मसले मिसाइल थे जिन्हें अब तक सुना नहीं गया है? रीऑर्गेनाइजेशन मैम, 2012 में हम इलेक्ट हुए थे, तो 2012 की डिमांड है हमारी, 600 आदमी जो कैजुअल लगाना है, जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं, वो कम से कम भी अब 3 साल होने पर उनको भी आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो 600 आदमी परमानेंट करें और जो 600 लगाने हैं वो लगाएं, तो और साथ ही साथ जो यूटी की सैलरी है वो हर एक मुलाजम को दी जाए। आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किया था, कोई उसके बाद किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपसे मुलाकात हुई, किसी की भी कोई बातचीत हुई? देखिए सर, पिछली बार जो हमारा प्रोटेस्ट था, एक दिन हम स्ट्राइक पर भी रहे, उसमें हमारी डिमांड थी, मेन डिमांड थी कि जो 600 आदमी जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं उनके इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, लेकिन इन्होंने उनके इंटरव्यू किए। अब वही बात कहने पे आती है कि जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो हमारी डिमांडों को अनसुना किया जाता है। ये जो तमाम आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं आपके साथ, इस समय जो आंदोलन पर बैठे हैं, कितने आंकड़े हैं कुल के? ये देखिए जी, 60,000 डेली वेजर मुलाजम है हर एक डिपार्टमेंट का, जो कि आज सड़कों पर है। तो जैसे इन्होंने बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 लोग जो कि परमानेंट करने का डिसीजन लिया हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि 60,000 मुलाजम जो है वो सारा ही परमानेंट कर दें, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी मुलाजम जो है वो सड़कों पर ना उतरे। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के बाद सरकार आपकी बात सुनेगी या फिर ये जो है आपके समर्थन में निकल कर सामने आएंगे? देखिए जी, अभी
हमारे जो ऑफिसर हैं इन्होंने हमसे यही कहा कि ये गवर्नमेंट लेवल के मसले हैं, तो जब तक हमारी बातचीत गवर्नमेंट से नहीं होती है तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और अब आगे आप क्या करेंगे अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती? 15 को आप स्ट्राइक भी करेंगे, लेकिन लगता है आपको सड़कों पर पहले ही बड़े डेली वेजर्स जो है उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हालात देख रहे हैं? देखिए जी, बाकी डिपार्टमेंटों की बात जो है वो अलग है, लेकिन ये मैंने पहले ही मीडिया के माध्यम से ये बताया, ये वो लोग हैं जो सुबह नींद खुलने से पहले पूरे शहर को साफ करते हैं। अगर ये लोग सड़कों पर उतरेंगे तो शहर में बुरी हालत हो जाएगी। तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है इन प्रदर्शनकारियों का? आपको बता दें कि ये जम्मू की सड़कों को साफ करते हैं, तमाम सफाई कर्मचारी यूनियन के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। इनके मांगे हैं कि जल्द से जल्द जो वैकेंट पोस्ट हैं उन्हें भरी जाए और जो लोग परमानेंट नहीं हुए हैं, जो कैजुअल हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। इससे पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन किसी भी तरह का कोई जो समर्थन है वो अभी सरकार की तरफ से नहीं आया है। आगे 15 तारीख को स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर दबाव डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, और डेली वेजर वर्कर्स का कहना है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बहरहाल हम देख रहे हैं जम्मू की सड़कों पर आए दिन प्रदर्शनों का दौर जारी है और एक बार फिर से जो प्रदर्शन है वो इन सफाई कर्मचारी द्वारा हो रहा है। तो आप बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, मेरे कैमरा पर्सन के साथ नमस्कार।